नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको तकरीबन 50 साल पहले 27 अप्रैल साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म दाग की कहानी भी सुनाएंगे, उसके कुछ अनसुने किस्से सुनाएंगे आपको और बताएंगे कि दाग 50 साल बाद भी क्यों देखनी चाहिए। सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी अभिनीत फिल्म दाग को पूरे 50 साल हो गए हैं। ये फिल्म कई मायनों में खास है और इसी फिल्म से यश चोपड़ा पहली बार प्रोड्यूसर बने और यश राज फिल्म्स की नींव पड़ी। अपनी इस फिल्म के 50 साल पूरे होने और इसके मनाए जा रहे जश्न पर यश चोपड़ा के साथ अपने सहयोग और इस फिल्म के अभिनय किया था इस फिल्म में और जो इसके अनुभव हैं और राजेश खन्ना के साथ अपनी सुपरहिट जोड़ी जैसे कई मुद्दों पर बात हुई है और उपन्यासकार गुलशन नंदा की कहानी पर बनी ये फिल्म दाग असल में थॉमस हार्डी के उपन्यास मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से इंस्पायर कहानी है। इस फिल्म के दमदार डायलॉग और नए अंदाज में उस दौर में दर्शकों को खूब लुभाया था। दाग से पहले तक यश चोपड़ा अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा यानी कि बलदेव चोपड़ा के साथ काम किया करते थे और लेकिन 1970 के आसपास ये चर्चा फिल्मी दुनिया के गलियारों में जोरों पर थी कि यश चोपड़ा अब अपने बड़े भाई से अलग होकर अपना नया स्टूडियो खोल रहे हैं और इसी शुरुआत में पहली फिल्म बनी दाग। शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म पर बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दाग को बने 50 साल पूरे हो गए हैं फिर भी फिल्म और इसके गाने इतने लोकप्रिय हैं। दरअसल हाल ही में जब मनोज वाजपेयी लगातार एक चेहरे पर दूसरे चेहरे लगा लेते हैं लोग गा रहे थे, मुझे उसे बताना पड़ा कि प्लीज़ इसे मत गाइए। जब मुझे दाग ऑफर हुई की गई थी तो मेरे लिए वास्तव में एक अनोखी खुशी थी, मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात थी कि एक निर्माता के रूप में यश की पहली फिल्म का मैं हिस्सा बनी, ये मेरे लिए सम्मान की बात थी। ये तमाम बातें शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। आगे शर्मिला टैगोर कहती हैं कि दाग में काम करना मेरे लिए एक शानदार अनुभव था, यहाँ तक कि मैंने उनके साथ वक्त में भी काम किया था जब भी, मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। वो हमेशा मस्ती करते थे, एक निर्देशक के रूप में वो सभी को उत्साहित रखते थे। जब हम दाग के लिए काम कर रहे थे तो हमने बहुत सी खूबसूरत लोकेशन में शूटिंग की थी। एक दिन शिमला में शूटिंग कर रहे थे और मेरी नींद खुली तो सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। ये सीन देखकर मैं दंग रह गई थी, लेकिन दूसरी बात ये थी कि मुझे शूटिंग पर जाने के लिए चलना पड़ेगा क्योंकि कोई कार बर्फ के जरिए हमारे पास नहीं आ सकती थी। मैं अपने बाल ठीक करके बाहर निकली, बमुश्किल मैं 5 कदम ही चली होंगी कि मुझे पीछे से ये किसी चीज़ ने मारा। देखा तो वो स्नोबॉल था। मैंने पलट कर देखा तो कुछ लड़कियां वहां पर खड़ी थीं। मैंने उन्हें कहा कि वो मुझे बॉल न मारें, पर उन्होंने कहा ये तो हमारा खेल है, हम तो खेलेंगे। मुझे याद है कि मैंने भी उन पर बॉल फेंकी थी पर मेरा निशाना उनके जैसा सटीक नहीं था। मुझे लोकेशन पर पहुंचकर चेंज करना पड़ा क्योंकि मैं वहां पहुंचने तक भीग चुकी थी। उन्होंने मेरे लिए एक अस्थाई कमरा बनाया जहां मैंने अपनी साड़ी बदली। वैसे इस खेल का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, शर्मिला याद करते हुए कहती हैं। राजेश खन्ना के साथ अपनी जोड़ी के बारे में बात करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा कि मुझे लगता है कि काका ने दाग में बेहतरीन काम किया था। वो राखी के पति के रूप में अपने बाद के अवतार में मूछों और डैशिंग लुक के साथ काफ़ी खूबसूरत लगे थे। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार की दो अलग अलग उम्र में अभिनय किया था और इन दोनों ही अवतार में वो बहुत अच्छे लगे और लोग उनके पहले से ही दीवाने थे। मैं बहुत आभारी और खुश हूं कि दर्शकों ने काका और मुझे एक साथ काम करते हुए पसंद किया और हम एक हिट जोड़ी बन गए। हमने साथ में कुछ बेहतरीन फिल्में बनाई, दाग बेशक उनमें से एक है और आज भी लोग हमारी जोड़ी के बारे में बात करते हैं।
शर्मिला टैगोर के अनुसार फिल्म निर्माता के रूप में यश चोपड़ा का सबसे बड़ा योगदान हमारी हिंदी फिल्मों को पश्चिमी दर्शकों तक ले जाना और स्विट्जरलैंड को सबसे अधिक मांग वाली लोकेशन के रूप में लोकप्रिय बनाना था। उनकी सरकार ने भी सराहना की, उन्हें इसके लिए पुरस्कार और तारीफ भी मिली। जब हम इंटरलेकन गए तो हमने एक कैफ़े देखा जिसे बॉलीवुड कैफ़े कहा जाता था। मुझे लगता है कि इसे यशराज कैफ़े कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो उस जगह की सुंदरता को कैप्चर करने के लिए उस क्षेत्र में नियमित रूप से जाते थे और ये यश चोपड़ा की खासियत थी। अब चूंकि डार्क फिल्म को रिलीज हुए 50 साल से अधिक हो गया है और जब कभी राजेश खन्ना का जिक्र हो तो जो गाना है कि मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है और याद आ जाती है वही साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म डार्क, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि रिलीज के बाद शुरुआती पहले हफ्ते में इसकी रफ्तार देखकर इसके फ्लॉप होने के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन फिर तस्वीर ऐसी पलटी कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। शाहरुख खान जब इस फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात किया जिसमें वो राजेश खन्ना की एक तरीके से तारीफ कर रहे थे और उनसे मोहब्बत जो रोमांस की जो एक्टिंग है जो रोमांस है उसे सीखने की बात जब वो कर रहे थे तो उन्होंने भी फिल्म दाग का जिक्र किया कि दाग में जिस तरीके से काका ने किरदार निभाया उससे हम जैसे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार तो शर्मिला टैगोर और राखी गुलजार भी मेन किरदार में थी और अपने अपने स्तर पर इन्होंने भी गजब का किरदार निभाया और काम किया। बावजूद इसके फिल्म को लेकर यश चोपड़ा जो इसके फाइनेंसर थे वो श्योर नहीं थे, उनके अंदर फिल्म को लेकर बेचैनी थी और यही वजह थी कि शुरुआती हफ्ते में इसे बेहद ही कम प्रिंट्स के साथ लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज किया गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फिल्म ज़्यादा बिजनेस नहीं करने वाली। लेकिन न जाने क्या हुआ कि देखते ही देखते हफ्ते भर में पूरी तस्वीर बदल गई और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने की ही नहीं थी। पहले हफ्ते में जो लोग फिल्म देखने आए उन्हें ये इस कदर भाई कि बाहर जाकर इसकी माउथ पब्लिसिटी का फायदा इसे खूब मिला। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में कमाल हो गया, सिनेमाघर जो खाली पड़े थे भर गए और आलम यह था कि फिल्म के शोज बढ़ाने पड़े, सिनेमाघरों में शोज हाउसफुल जाने लगे। डार्क फिल्म का बजट उस दौर में 60 लाख रुपए था लेकिन फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपए कमाकर ऐसा इतिहास रचा जिसकी उम्मीद तक किसी को नहीं थी। ये उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी जिसने राजेश खन्ना के स्टारडम को बरकरार रखा तो शर्मिला टैगोर के पैर भी इंडस्ट्री में एक तरीके से जमाने में इस फिल्म ने मदद की। और वो कहते हैं ना कि अगर कुछ चल जाता है तो फिर उसका नाम हो जाता है, और नाम हुआ यश चोपड़ा का भी जो अब तक असिस्ट कर रहे थे अपने भाई बी आर चोपड़ा को। दाग इसलिए भी खूब चली कि इसके गाने बहुत खूबसूरत थे, इसका संगीत बहुत खूबसूरत था और सबसे खूबसूरत थी इसकी कहानी। कहानी एक युवा सुनील कोहली की यानी कि राजेश खन्ना, सुंदर सोनिया यानी कि शर्मिला टैगोर को जो पसंद करने लगता है। जल्दी ही दोनों शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खराब मौसम की वजह से वो सुनील के मालिक के बंगले में एक रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन जब सोनिया अकेली होती है तो बॉस का बेटा धीरज यानी कि प्रेम चोपड़ा उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील समय पर पहुंच जाता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप धीरज की मौत हो जाती है। सुनील को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में अदालत उसे मौत की सजा सुनाती है, लेकिन जेल जाते समय उसे ले जाने वाली पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सभी मारे जाते हैं। सालों बाद सोनिया एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही होती है और सुनील और अपने बेटे को, जो सुनील का और उसका बेटा होता है, उसे पाल रही होती है। और बाद में उसे पता चलता है कि उसका पति भी जीवित है, उस सुधीर के रूप में एक नई पहचान के साथ जी रहा होता है और उसकी शादी चांदनी यानी कि राखी नाम की एक अमीर महिला से हो चुकी है। पुलिस वैन से भागने के बाद सुनील ने चांदनी से मुलाकात की, उसके प्रेमी ने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद उसे छोड़ दिया था और सुनील ने अपनी नई पहचान स्थापित करने में मदद के बदले उसके बच्चे को अपना नाम दिया, शादी की
और इतने सालों के बाद कानून एक बार फिर उसके दरवाजे पर है, लेकिन इस बार हालांकि उसका एक और अपराध है, या यूं कहिए कि एक दाग है, दाग शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने का। ये फिल्म की कहानी है और इस फिल्म की कहानी इस कदर बनी गई है कि ये आपको बांध कर रखती है, और इसे इसीलिए दाग ए पोएम ऑफ लव भी कहा गया। यश चोपड़ा की चूंकि पहली फिल्म थी, इसमें राजेश खन्ना, शिमला टैगोर, राखी, मदनपुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, ए के हंगल, इफ्तिकार खान जैसे सितारे इस फिल्म में हैं। और सबसे जो ख़ास बात है वो इस फिल्म के गीत हैं, हवा चले कैसे लता मंगेशकर ने जो गीत गाया, या फिर नी मैं यार मनाना नी चूँकि लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम ने गाया है, या हम और तुम और हम किशोर कुमार और लता दी का, या फिर अब चाहे मार उठे या बाबा लता मंगेशकर और किशोर कुमार का, या मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूं, बहुत ही मशहूर गाना, किशोर कुमार की आवाज़ और जो संगीत है गज़ब है। सहर लुधियानवी ने फिल्म में गज़ब के गीत लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गज़ब का संगीत, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, ये भी बहुत बढ़िया गाना लता मंगेशकर का, या फिर मैं तो कुछ भी नहीं जो एक संवाद के तौर पर है राजेश खन्ना की आवाज़ में। और इस फिल्म को जो पुरस्कार मिले या जो नामांकन मिला, यश चोपड़ा चूँकि पहली फिल्म थी उनकी, फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार था वो इन्होंने जीता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। राजेश खन्ना नामित हुए फिल्म फेयर के लिए, राखी ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नॉमिनेट किया गया, किशोरदा को मेरे दिल में आज क्या है के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन ये फिल्म आज भी अगर याद की जा रही है तो इसके पीछे एक बड़ा जो कारण है वो इस फिल्म की गीत हैं, वो इस फिल्म की कहानी हैं और राजेश खन्ना हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।